बरसात के मौसम के चलते बच्चों में बढ़ रहा मौसमी बीमारियों का खतरा। इन दिनों वायरल फीवर, मलेरिया जैसी कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। इसी वजह से रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, बच्चे ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रतिदिन काफ़ी संख्या में गांधी स्मृति चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में बच्चे इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं। शिशु विभाग में जनवरी से जुलाई के बीच में 15,000 से ज़्यादा बच्चे ओपीडी में पहुंचे, जिनमें से 3,000 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए। जुलाई माह में बच्चों में बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, यही वजह है कि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और एक बेड में दो दो बच्चों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो आईसीयू से लेकर नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती हैं तथा जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो बारिश के दिनों में बच्चों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया सहित कई बीमारियों का उनमें खतरा रहता है। इसमें पानी भी उतना स्वच्छ नहीं रह पाता, जिसकी वजह से गंदा पानी पीने की वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यही वजह है कि इसमें पानी जनित बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। चिकित्सकों की सलाह है कि ऐसे मौसम में बच्चों की देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें घरों में रखें, साफ सुथरा पानी पिलाएं, नलों के पानी को उबाल कर पिलाएं, क्योंकि पानी से ही कई तरह की बीमारियां होती हैं। बारिश के दिनों में प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चों को मच्छरों से भी बचाना चाहिए। अगर सावधानी रखी जाए तो बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर अतुल सिंह, CMO संजय गांधी अस्पताल रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मौसमी बीमारियों का सीजन ही कहलाता है, बारिश के साथ बीमारियां जो हैं बढ़ती हैं। तो पहला तो ये कि पानी का स्वच्छ उतना नहीं रह पाता, कुएँ आदि से जो पानी यूज़ करते हैं तो पानी से जनित बीमारियाँ इस समय ज़्यादा होती हैं। वायरल लोड भी, इसमें वायरल बीमारियाँ भी इस समय बहुत ज़्यादा होती हैं। निमोनिया आदि की भी शिकायत होती है बच्चे बारिश में भीगने के, खेलने के कारण। तो सुझाव यही रहता है कि बच्चों को थोड़ा सा केयरफुली उनको रखें, घरों में रखें और उनको पानी आदि जो है अपना साफ दे करके दें। कुएँ आदि का पानी इस समय इस्तेमाल करने के लिए सावधानी रखें और नलों के पानी को भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, नदियों का पानी इस समय बारिश के कारण, इससे पानी की काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। फिर दूसरा, मच्छर आदि भी इस समय पैदा होने लगते हैं, तो मच्छरों से बचाव भी करना चाहिए। सबसे अच्छा सरल उपाय उनका मच्छरदानी होती है। इस तरह से अगर अपन सावधानी रखेंगे तो बच्चों को काफ़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। देखा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को भी लेकर दिक्कत है, एक बेड में दो दो बच्चे भी इस समय। हाँ, अपने हॉस्पिटल की कैपेसिटी तो एक लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो आबादी अपनी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से बीमारियाँ कम, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। इसके लिए अभी तो संसाधन बढ़ाने की कोशिश चल रही है।